मिथिलांचल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलकर समाज में शांति व सद्भावना का प्रतीक माने जाने वाले क्षेत्रीय पूर्व विधायक स्वर्गीय शालिग्राम यादव का मंगलवार को निधन हो गया। वो पटना के पटेल नगर स्थित होली प्रॉमिस हॉस्पिटल में सुबह 5 बजे अंतिम सांस ली। यहाँ उनके पार्थिव शरीर को करीब 3 बजे पैतृक गाँव मदबापुर प्रखंड के लोह में लाया गया। स्वर्गीय शालिग्राम यादव के पार्थिव शरीर गाँव पहुँचते ही एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ जुट गयी। पैतृक गाँव में ही अंत्येष्टि किया गया, जहाँ बड़े पुत्र महेश्वर नारायण यादव ने मुखाग्नि दी, जिसके बाद स्वर्गीय शालिग्राम यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। इस दौरान स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर, पूर्व विधायक रामाशीष यादव, खजौली पूर्व विधायक सीताराम यादव, कांग्रेसी नेता मोहम्मद सबीर, जदयू नेता मुनेश्वर ठाकुर, पूर्व जिला पार्षद अजय भगत, रामेकबाल उपकारी ठाकुर, जदयू प्रखंड अध्यक्ष अरुण यादव, प्रमोद गुप्ता, बेचन सहनी, राम उगार यादव, बिल्टू मंडल, रामविलास मंडल, उप प्रमुख दिनेश ठाकुर, जदयू नेता कृष्ण महतो, मुखिया राम नरेश प्रसाद, जुगल किशोर यादव भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक स्वर्गीय शालिग्राम यादव का जन्म 2 जनवरी 1939 को मदबापुर प्रखंड के लोमा गांव में हुआ था, जिनका प्रारंभिक शिक्षा लीलाधर उच्च विद्यालय बेनीपट्टी से हुआ। LS कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट किए। इसके बाद 1962 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र नेता के रूप में की। काफी दिनों तक खादी भंडार के प्रबंधक के रूप में ही रहे। 1978 से 22 साल तक ग्राम पंचायत के मुखिया पद पर रहे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे और विधानसभा चुनाव भी लड़े। कर्पूरी ठाकुर के साथ भी इनका लंबा संघर्ष रहा। मुखिया रहते हुए 1995 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेनीपट्टी विधानसभा से विधायक बने। पुनः 2005 में जदयू के टिकट पर विधायक बनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा पहुंचे। 2010 में भी जदयू के टिकट पर हरलाखी विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन 2015 में जदयू का टिकट पूर्व विधायक स्वर्गीय बसंत कुशवाहा को दिए जाने से सपा से टिकट पर चुनाव लड़े, जहां से हार के बाद राजनीति से संन्यास ले लिए। लगातार 3 बार विधायक रहने के दौरान विधानसभा में निवेदन समिति के सभापति व रांची भूमि घोटाला के चेयरमैन समेत कई महत्वपूर्ण पद पर रहकर क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। हरलाखी विधानसभा में पर्वतिया बांध व बलवा बराज उनका महत्वपूर्ण कार्य रहा। इसके अलावा दलित, शोषित व वंचितों का आवाज बनकर उनके हक हुकूम के लिए लड़ाई लड़ते रहे। इनकी पुत्री स्वर्गीय रीता देवी भी हरलाखी प्रखंड का प्रमुख रहकर प्रखंड का नेतृत्व की। हालांकि कैंसर के वजह से उनका भी देहांत हो गया। पूर्व विधायक स्वर्गीय शालिग्राम यादव अपने पीछे पूरा भरा पूरा परिवार छोड़ गए। इनका 3 पुत्र व 3 पुत्री के साथ पूरा भरा पूरा परिवार है। बड़े पुत्र महेश्वर नारायण यादव पूर्व जदयू प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। गणेश भारती भी समाज से भी है। छोटा पुत्र डॉक्टर राकेश रंजन एक चिकित्सक है। पुत्री गिरिजा देवी, स्वर्गीय रीता देवी व रेखा कुमारी समेत पूरा भरा पूरा परिवार है। विधायक सुधांशु शेखर ने कहा, स्वर्गीय शालिग्राम बाबू एक गांधी विचारधारा के लोग थे, जिन्होंने शांति व सद्भावना का समाज को संदेश दिया है। इनसे हम सभी को सीख लेने की आवश्यकता है। इन्होंने समाज के हर एक तबके के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इनके निधन से हरलाखी अपना एक नेतृत्वकर्ता खोया है, जिनकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। ये शालिग्राम बाबू संघर्ष नेतृत्व करते बराबर आते चले आ रहे हैं। आज तक उन्होंने नेतृत्व का काम बड़ी ही बारीकी से किया और एक ईमानदार, कर्मठ और योग्य व्यक्ति के रूप में उनके इलाके में या विधानसभा में पहचाना जाता था, बल्कि मधुबनी जिला में भी उनका एक नंबर में ही नाम था। राम बाबू के बारे में कहना, वो तो मिथिला के गांधी थे और 2005 से 2015 तक हम उनके बहुत करीब और नजदीक से रहे। उनके प्रतिनिधि के रूप में भी हम काम किए और सारूत्री पंचायत के मुखिया भी हम हैं और उनके स्नेह, प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को जितना मिला उसका कितना भी हम वर्णन करेंगे तो कम ही होगा। और उनका सादगी जीवन इस धरती पर, हरलाखी विधानसभा हो या बेनीपट्टी विधानसभा हो, न अब कोई वैसा नेता आएगा और हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उनका मिथिला के गांधी के रूप में हम लोग याद करते रहेंगे और उनके इस क्षेत्र से जाना हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है। के शालिग्राम यादव इस बेनीपट्टी क्षेत्र के गांधी थे, दलितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों की वो आवाज़ थे। आज जो बेनीपट्टी या मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो दलित, दबे हुए, पिछड़े लोग हैं, जो आज अपने समाज में ऊपर उठे हैं, ये शालिग्राम यादव की देन थी। मैं शालिग्राम यादव के बारे में एक ऐसी बात आपको बतलाता हूँ जो कोई राजनेता के बारे में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम लोग उन्हीं के विधानसभा में पढ़ते थे, अब तो चेंज हो गया है, लेकिन जब हमारे नाना बीमार थे, पटना IGIMS में भर्ती थे,
और डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्लड की ज़रूरत है, हम काफ़ी परेशान थे उस टाइम में, तो वो अपना ब्लड देने के लिए हॉस्पिटल में आ गए और अपने एक मतदाता को, अपने एक वोटर्स को अपना ब्लड दे करके उनका जान बचाने की कोशिश की। उनके बारे में क्या आगे कहा जाए, चिराग को दिया दिखलाने के बराबर है।